नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का NKM 47 Presents में और मैं NM टाइगर मौर्या लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। इस वीडियो में मैं आपको अलीगांव जैतपुर के पास की वीडियो दिखाने वाला हूं और इसी के ठीक सामने है कास्टिंग यार्ड जहां पे कि सेगमेंट हमारा बनाया जाता था। अब सेगमेंट का जो भी बनाने का काम है यहां पर लगभग पूरा हो चुका है और कास्टिंग यार्ड का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कास्टिंग यार्ड में सेगमेंट बचे हुए हैं इसलिए मैं आपको सेगमेंट की थोड़ी सी अपडेट दूंगा कास्टिंग यार्ड की। और इसी के साथ साथ अलीगांव से जो ड्रेनेज आता है हमारा, जो जाता है यमुना नदी पे, उसके ऊपर दो पुल बनाने थे तो एक पुल का काम पूरा हो चुका है जिसके ऊपर से कि हमारा सर्विस रोड जाएगा और दूसरा पुल का काम जो है वो चल रहा है तो उसकी अपडेट मैं आज आपको दूंगा। तो आपके सामने है ये कास्टिंग यार्ड जो कि CH पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 9.5 किलोमीटर पर है। इसमें बनाए जाते हैं दोस्तों सेगमेंट यानी कि हमारे फ्लाईओवर का ऊपरी लेयर जो कि हमारा एलिवेटेड पार्ट होता है। और इसके बगल से आप जो ये देख रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक का फ्लो है, ये है हमारा पल्ला से कैलंदी कुंज रोड और ये हमारा बना हुआ है पूरा नहर के किनारे किनारे और ये रोड आने वाले टाइम में सर्विस रोड का काम करेगा। और ये है हमारी आगरा कैनल नहर जो कि इस पॉइंट पे आने के बाद दो भागों में बट जाती है। और सामने आप देख रहे हैं ये है हमारा आली और जैतपुर का ब्रिज जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है। और इसी के साथ ये देख रहे हैं आप हमारा जहाँ से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ये है हमारा नया वाला पुल जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक पुल बनकर तैयार हो चुका है, आने वाले टाइम में वो सर्विस रोड का काम करेगा। तो अभी इसके ऊपर से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, हालांकि आने वाले टाइम में उस साइड से सिर्फ एक ट्रैफिक आएगा जो कि कैलंदी गुंज से पल्ला की साइड जाएगा। और सामने की साइड बन रहा है हमारा नया वाला पुल और इसी के बीच से बगल से जहाँ पे आपको पिलर नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारा एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर है वो जाएगा। और इस एरिया को पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये डिवाइडर लगा के आप देख सकते हैं और इसके बीच में जो है पूरा काम चल रहा है। अभी आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं एक नए पिलर का काम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। बहुत दिनों से यहाँ पर सिर्फ दो पिलर नज़र आ रहे थे, एक पिलर का स्ट्रक्चर, आज तीन पिलर बन चुके हैं, चौथे पिलर का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं। और इस पिलर का काम अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पे पाइलिंग हो रही थी, मैंने आपको अपडेट दी थी, आज पाइलिंग का काम कंप्लीट है, चौतरा बन चुका है, वर्कर लगातार यहाँ पर जो है इसके जाल को बांधने में लगी हुई है और बहुत जल्द जो है इसको ढाल लिया जाएगा। और इसी के साथ सामने आप देखेंगे वहाँ पे आपको जो हमारा फ्लाईओवर का जो रैंप बन रहा है वहाँ पर भी आपको एक्सेवेटर काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ भी अभी लेवलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये है दोस्तों सामने ड्रेनेज का जो पुल जो कि बहुत पहले बनाया गया था जिससे कि आली का जो ड्रेनेज है वो यमुना में जाके मिलता था, अब यहाँ पर नया पुल बनाया जा रहा है, एक जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और एक सामने वाले की अपडेट अभी आपको मैं दूंगा, उससे पहले जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ इसकी थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुल के इस किनारे पर ये जो हमारा क्रैश बैरियर बनाना था इसका सरिया का जाल बांधा हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर फीलिंग का काम अभी नहीं हुआ है जिससे कि हमारा ये क्रैश बैरियर बनकर तैयार हो। लेकिन मैं पुल के दूसरे किनारे पे आपको दिखाऊं तो वहाँ पर कुछ काम तो हालांकि हो ही चुका है, वो आप सामने देख सकते हैं, फुटपाथ का जो बैरियर है वो बनाया जा चुका है और उसी के साथ जो क्रैश बैरियर बनाने वाला है हमारा गाड़ियों के लिए वो अभी नहीं बनाया है। और अब मैं ले चलता हूँ आपको नए वाले पुल जो बन रहा है उसकी अपडेट पर। और यहाँ पर अगर आप नए वाले पुल पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग काम जो है पुल का पूरा हो चुका है, हालांकि मैंने आपको इसकी अपडेट नहीं दी थी, यहाँ पर काम काफ़ी दिनों से चल रहा था और काम यहाँ पर अभी रूफ पड़ने तक का काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पर नीचे जो वॉल है दोस्तों, वॉल जो है कंक्रीट और सरिया की मदद से ही बनाई गई है, ईंट पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो कैसे बनती है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि वो जो वॉल है दोस्तों वो सरिया और कंक्रीट की मदद से बनती है, सरिया का जाल बांध दिया जाता है और उसके ऊपर जो है कंक्रीट की फिलिंग कर दी जाती है
और डिटेल में समझना है तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, आप वहाँ पे से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर के लिए मैंने आपको अभी दिखाया था कि सामने जो हमारा रैंप बन रहा है उसके ऊपर एक्सेवेटर लगातार काम कर रहा है, लेवलिंग का काम उसके ऊपर भी स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप इस साइड में देखेंगे तो पिलर भी आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर अगला पिलर की तैयारी हो चुकी है। अभी यहाँ पर और भी पिलरों का काम बाकी है, और भी पिलर यहाँ पर बनाए जाने हैं। पिलरों के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर पिलर बनने के बाद उसके ऊपर पिलर कैप का काम होगा, गर्डर का काम होगा, रूफ का काम होगा, तो सारे भी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और आपको कोई सजेशन हो तो आप चैनल कमेंट में पिन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, जय हिंद, जय भारत।